और इस साइड है, इस साइड ए, इस साइड ये वाली उंगली पे पेन है। और ऊपर से पेन भी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने अभी राशि को कॉल करा है और उसने बोला है कि आ जाओ डॉक्टर पास चलते हैं। बट पता नहीं पेन इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, समझ नहीं आ रहा। और राशि गुस्सा है मेरे से। Hey guys, welcome back to our YouTube channel. So guys, बहुत ही ज़्यादा bad news है। Firstly, हुआ कुछ ये कि कल रात को shoot हो रहा था और shoot के दौरान मेरे हाथ पे दब पड़ गया। I don't know why. मतलब पता नहीं क्या हुआ, बहुत ज़्यादा pain उठने लग गई और सुबह तक ये मेरा हाथ पूरा सूज चुका है। ये आप देख सकते हो, ये मेरा हाथ है इस समय, ओके। और बहुत ही ज़्यादा पेन हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं फिर सुबह गया था अभी एक्सरे कराने, और वहाँ पर क्या हुआ पहले ये वाली क्लिप देख के। भाई ये रहा मेरा एक्सरे, और अब पता नहीं क्या है। वैसे देखना डॉक्टर, आप देख सकते हो सही टूटा है, सही है सब कुछ। स्वेलिंग वगैरह है कैसे, मांस वगैरह? मांस ये नहीं का है? हाँ मेरा है। और आपको कोई डाउट है? यहाँ पे कुछ आ रही है? यहाँ पे इधर कोई पेन है? यहाँ पे हाँ पेन है। यहाँ पे है ना ज्यादा? नहीं नहीं सुनो, यहाँ पे है। इधर है? इधर नहीं है। मेटा कार्पल में तो यहाँ पे यहीं है क्या? हाँ ये ऊपर करना सर। हाँ यहाँ है पेन, और इस साइड है, इस साइड ए, इस साइड ये वाली उंगली पे पेन है। पकड़ना हाथ टाइटली, बहुत दर्द है। और मतलब कोई भी चीज उठाया नहीं जा रहा क्योंकि बोन में होते तो मूवमेंट भी नहीं कर पाते, और इससे ज्यादा है ना पूरा यहाँ तक है ना स्वेलिंग होती, मतलब सेफ है। तो अभी जो सॉफ्ट टिश्यू का अंदर है वो इंजरी है तो ना क्या वो क्या एक्सरे में तो नहीं आए, ठीक है? ये तो इंजरी मतलब सॉफ्ट टिश्यू के अंदर ही लग रहा है। किसमें 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 मतलब टच हुआ? ये से लक्कड़ है ना, इस पे टच हुआ था, बहुत फोर्सली हिट हुआ था। कोई खांच वाला वो तो नहीं था? नहीं कुछ नहीं था, नहीं ठीक है ना। सो गाइस, जैसे आपने देखा कि उन्होंने बोला कि फ्रैक्चर नहीं है, स्वेल है, मांस उस फटा है। बट मैं अभी पहलवान के पास गया था और पहलवान को मैंने एक्सरे दिखाया, तो उन्होंने बोला है कि फ्रैक्चर है, प्लास्टर चढ़ेगा एक महीने का। और समझ नहीं आ रहा यार क्या हो गया यार, ये समझ नहीं आ रहा यार, क्योंकि ऊपर से क्लासेस भी चल रही थी और भी बहुत सारा काम था, व्लॉग्स भी देने हैं डेली, कुछ समझ ही नहीं आ रहा अब कैसे होगा। और ऊपर से पेन भी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने अभी राशि को कॉल करा है और उसने बोला है कि आ जाओ डॉक्टर पास चलते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ डॉक्टर पास, अब प्लास्टर होगा। गलती से ही लग गई मेरे को, मैं अभी राशि के पास जा रहा हूँ, ओके। और एक्सरे हो गया, एक्सरे पीछे दिखा देता हूँ, वो रहा एक्सरे, एक वो रहा एक्सरे। तो अभी मैं राशि के पास जा रहा हूँ और देखते हैं, अभी मुझे उनसे भी डांट पड़ेगी, गलती करी है मैंने, डांट तो पड़ेगी मेरे को। तो अभी मैं जा रहा हूँ, फिर अब वहाँ जा हॉस्पिटल जाऊँगा, हॉस्पिटल जाके मैं तो बात भी नहीं हो पा रही गाइस। मैं राशि से मिल के आपसे बात करता हूँ, ठीक है? तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ घर और डॉक्टर ने चेक किया है तो फ्रैक्चर नहीं है, बट पता नहीं पेन इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, समझ नहीं आ रहा। और राशि गुस्सा है मेरे से। या मैंने जानबूझ के नहीं करा ना, बोला तो था ज़्यादा नहीं। सो गाइस फाइनली मैंने राशि को मना दिया है और उसने मेरी ड्रेसिंग कर दी है, और सॉरी राशि दोबारा नहीं होगा, आई प्रॉमिस।
और गाइस हुआ क्या कि अभी जब हम डॉक्टर पास गए थे तो उन्होंने एक्सरे देखा तो उन्होंने बोला कि फ्रैक्चर नहीं है, थैंक गॉड। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, आप लोगों ने देखा ही होगा, और राशि भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। राशि रो रहे हैं, राशि मुझसे उंगली में से ना काम नहीं हो रही, थोड़ा ऊपर सपोर्ट चाहिए। अच्छा बस है ना, नहीं होगा आज राशि, वो नहीं लग रहा ब्राउन पांडा। सॉरी राशि, मत तो। अच्छा दवाई भी खानी है अभी, बुला रहा हूँ खाना। अच्छा ये तो यार इनसे एक बार पूछे, तूने वो वाला सीन नहीं देखा जब तेरे को व्लॉग डलेगा ना तू देखियो कितना ज्यादा मैं रो रहा था। गाइस बताओ कमेंट सेक्शन, कैसी हरकतें मत करो ना कि तुमको रोना पड़े, फिर मैं वापस से चालू हो जाऊंगी, फिर बोलेगा फिर चालू हो गई है। नहीं होगा पक्का, जिस मर्जी पहले भी यही बोला था। देख वो वाली बात मत छेड़ क्योंकि वो खत्म हो गई थी, अब तो जिस मर्जी की दिलवा दे। नहीं मेरे को बंदे नहीं मारने कसम देगी आज से, मैं अपनी कसम खाता हूँ। अपनी कसम ही तोड़ेगा तू तो, मैं तो तोड़ी दी है। मैं वर्ल्ड टेलीविजन पे, ए वो वाली तूने वापस ले ली थी एक साल पहले, वर्ल्ड टेलीविजन पे बता रहा हूँ, गुस्से में मैं कभी भी मुक्का नहीं मारूंगा। ओ गाइस मैंने बता दिया आपको सच, कि मैं गिर गया था एक्चुअली मैंने गुस्से में मार दिया था। कितना छोटा है ये यार, मैं डर रहा था पता है। और यस गाइस कि मैंने एक्चुअली ना गुस्से में मुक्का मार दिया था, सॉरी। यार झूठे, मैं धोखे से निकल गई आज के? मैं मरी जाऊंगा भगवान, वाली बात नहीं है, मेरे को डर लग रहा था बताने में। हमारा हमें आज एक इम्पोर्टेंट फंक्शन पे जाना था, हम वहाँ पर भी नहीं, हम जा रहे हैं। क्यों इसने बोला नहीं, नहीं हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। प्रभु शांति से बैठ जा, लग गई है ना अब। आपको मस्ती करनी है तो बोलो, मुझे नहीं करनी, तूने मस्ती करा दी मेरे को बहुत अच्छे से। यार अब गिल्टी फील करवा रहे हो, पकड़ो हाथ दर्द हो गया। चेहरा ही छुपा लिया। हो तो आपका अगर मन है जाने का, मेरा कोई मन नहीं है गाइस, इसने इसको कोई चोट नहीं लगी है, ये कोई गिरा नहीं है, इसने गुस्से में अपने आप को खुद ही मारा है, ये सच। सॉरी गाइस, और उसके बाद इतने दुखी करती है सबको। सॉरी गाइस दोबारा कभी नहीं होगा, मैंने वर्ल्ड टेलीविजन के सामने कसम खाई। मैं तो व्लॉग भी नहीं बनाने का मन कर रहा, मैं खाना ला रही हूँ, पहले दवाई खा ले। ओके तो गाइस मैं जाता हूँ दवाई खाने, आप भी रेस्ट करो और गुस्सा अपना कंट्रोल करो। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा गंदा गुस्सा किया और दोबारा कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। लाइक शेयर कमेंट करके बताना आज का व्लॉग कैसा लगा। अच्छा व्लॉग।